तो गांव आने का ये फायदा होता है, ये है सिंदूर ओरिजिनल। गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, वेलकम टू न्यू डे न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है, मैंने सोचा था कि आपको गांव घुमाऊंगा। जैसे आपने कल का व्लॉग देखा होगा तो हमने गांव की जर्नी दिखाई थी, हम बस में बैठ के आए थे। लेकिन आज वाला व्लॉग यहाँ सुबह 8 बज रहे और अभी तक हमारा वीडियो अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे नेट की स्पीड नहीं दे रहा है। तो हम उसके लिए बाहर जाएंगे, देखते हैं कहाँ पे नेट की स्पीड मिल सकती है और कहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। तो गांव आपको उसी के साथ साथ मैं घुमाऊंगा, देखता हूँ क्या हो सकता है। और ये छोटा सा बागान आप देख रहे हो, ये यहाँ पे पीछे बनाया हुआ है, ये नींबू का झाड़ है और ये जाम का है, तो वो भी हम आके तोड़ेंगे शायद। लेकिन अभी हम चलते वीडियो अपलोड के लिए, हम काफ़ी लेट हो चुके तो जल्दी से। हाँ अभी हमारे भाई साहब तैयार नहीं हुए तो उनका वेट कर रहे हम, जब तक फुल तोड़ते हैं। ओके, हमें एक ये चीज़ मिली है, इससे तोड़ते हैं जाम क्या बोलते उसको, नींबू और फूल, देखते हैं हम तोड़ पाते कि नहीं। आज हम हर चीज़ ट्राई करेंगे, कहाँ से तोड़ू समझ नहीं आ रही, ये वाला पकड़ते। वैसे इतना ऊपर तो मेरा हाथ ही पहुँच सकता है। पोचा पोचा पोचा, फाइनली एक टूटा है अभी, तो इसको निकालते। इसको कहाँ रखें, यहाँ पे रख दे, ये इधर दो दो है। आजा आजा आजा, अरे हाँ ऐसे तो इससे ना डायरेक्टली तोड़ा जाता है, लेकिन हमारे हाथ तक आ गए इसलिए हम हाथ से तोड़ रहे हैं और उसमें भी पत्तियाँ खेल गई इसकी। सबसे ऊपर वाला बहुत अच्छा दिख रहा है, एकदम ताज़ा ताज़ा, एकदम फ्रेश, और इसको हम बिना इसके पत्ती खिराए तोड़ दिया, ये मस्त है ना। कौन से तीन बोल रहे थे हम, ये हाँ ये सब तो गए, सूख गए वो, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा है। अरे ले ले, क्या है ये, चलो अपने बस का नहीं है, ठीक है, ऐसे फूल तोड़ने से मतलब नहीं है, तो हम वापस जा रहे हैं। चलिए निकलते हैं, बहुत लेट हो चुका है, आई थिंक 9 तो यहीं पर पहुँच गए और अभी तक वीडियो अपलोड होने का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। सो चलते, बाइक आ चुकी है, हम निकल रहे हैं, है ना। चलो चलो चलो, लेट्स सी कब तक हो पाता है अपलोड। चलो मिलता हूँ दिखाते हुए, गाँव भी देख लो भाई, मतलब ये घूमने वाला ब्लॉग भी बन गया। हवा भी बहुत प्यारी चल रही है, तो पता नहीं आपको वॉइस आ रही है कि नहीं, लेकिन आई होप आ जाएगी। सो ओहो, यहाँ पे बारिश हुई है तो एकदम हरियाली वाली चीज़ें दिख रही हैं अपने को, हरियाली हरियाली। ओ थोड़ा सा आगे का सीन दिखाता हूँ आपको, रोड पे आ गए, लेकिन यहाँ पे भी स्पीड कोई ऐसे खास दिख नहीं रही है। तो हम जो पास में बड़ा गांव है जहाँ पे नेटवर्क का मतलब टावर लगा हुआ है, वहाँ पे जाके देखते हैं, आई होप वहाँ पे कुछ स्पीड अच्छी आए, लेट्स सी। बाकी गांव देख लो भाई, रुको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। अभी सब फसलें उग रही है ना, ये बारिश वाली फसल है या कैसी है? हाँ बारिश आई तो बहुत ही उसको। तो भाई आप लोगों ने भी लुत्फ उठा लिया है गांव आने का, जितने लोग गांव में रहते हैं ऑलरेडी वो कमेंट कीजिए, और जो सिटी से है जिन्होंने मतलब काफी टाइम हो गया गांव गए नहीं है जो, वो भी कमेंट कीजिए।
आपने सुना ना मैंने क्या कहा, जो सिटी से है जिनको गांव अच्छा लग रहा है वो भी कमेंट कीजिए, और जो गांव से है जिनका गांव इससे भी प्यारा है या ऐसा है वो भी कमेंट कीजिए। देखते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ से अपना ब्लॉग देखता है। और साउंड आई होप अच्छा है आपको। तो हम मेन गांव में पहुंच रहे हैं, बड़ा गांव, तो मास्क लगा लेते हैं। मास्क मास्क मास्क, अरे लग जा रहा वो, लग गया। ठीक है, मास्क इज ऑन। उल्टा लगा सीधा लगा आई डोंट नो। रिलेटिव के यहाँ पे आए हैं, इनका गांव में ही घर है, तो यहाँ पे देखते हैं टेरिस पे जाके मिलते कि नहीं। लाइट तो बहुत कम आ रही, छत पे चलते शायद यहाँ पे स्पीड अच्छी दे। हम यहाँ पे भी स्पीड टेस्ट कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे भी अच्छी नहीं आ रही, तो नीचे अच्छी आ रही है, नीचे जाके देखते हैं हम। नीचे अच्छी आ रही वैसे, सो लेट्स सी नीचे कितनी आ रही। चलो थोड़ा सा मास्क हटा लेता हूँ, तो कुछ है नहीं पे। और यहाँ पे अब स्पीड टेस्ट करते हैं, रोड पे आ चुके हैं हम। यहाँ से भी वीडियो अपलोड नहीं हो रहा, इतनी स्पीड अच्छी नहीं मिल रही है। हम चलते चलते कितने दूर आ गए वो है अपना घर, हम यहाँ तक आ गए। लेकिन अब और आगे जा रहे हैं, देखते कहाँ पे अच्छी स्पीड मिलती है। तो भाई साहब हम घूम घूम के टावर के पास तक आ गए हैं, मैं आपको टावर दिखाता हूँ पहले, तो फिर बात करते हैं आपसे। देखा दो दो टावर है लेकिन अभी भी हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, तो अब आई थिंक शायद मैं घर जाऊंगा तभी हो पाएगा। सो हम निकलते हैं क्योंकि तो स्पीड इतनी खतरनाक आ रही है ना, मतलब क्या बोलूं आपको, ऐसी कि एक घंटा दो घंटा दस घंटा तो छोड़ो, एक दिन बता रहे हैं वो, वन डे। तो इतने में तो हम शाम तक घर चले जाएंगे, तो फिर हम अपलोड कर देंगे आज के लिए। सॉरी मतलब वो वाला वीडियो तो एडिट हो चुका है तो उसमें कुछ बोल नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन ये वाला वीडियो जब आएगा तो समझ जाना कि वो वाला वीडियो क्यों लेट हुआ है। ठीक है ओके मिलते हैं बाद में, अभी तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। चलो करते कुछ जुगाड़ो। हाँ इसके बीच में अगर मुझे स्पीड अच्छी मिली, मैंने अपलोडिंग पे तो लगा के ही रखा है, अगर वो अपलोड हो गया तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो शाम तक तो आपको मिल ही जाएगा वाईफाई जब अपना मिल जाएगा तब। ठीक है मिलते हैं। तो चलिए हम गांव जाते हैं और घर पर जाके मिलेंगे, फिर देखता हूँ क्या होता है। लेट्स से अभी बंद कर देता हूँ, बाइक चला रहा हूँ। तो फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं और मास्क निकाल लेते हैं। सो अफसोस वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, सो देखते अभी कुछ और जुगाड़ हो सकता है तो। लेकिन अब तो यहाँ पे आ गए तो यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, यहाँ नेटवर्क नहीं चला, नहीं वहाँ पे भी नहीं चला, वहाँ पे भी नेटवर्क का इशू है, वहाँ पे भी मतलब नेट की स्पीड अच्छी आ रही बट वो डाउनलोडिंग की, अपने को अपलोडिंग चाहिए, अपलोडिंग नहीं आ रही। सो कोई नहीं, इसी बहाने आपने गाँव घूम लिया, वो वाला गांव भी घूम लिया, खेतियाँ भी देख ली, सब देख लिया। और अभी हम जो पीछे का बागान दिखाने वाले थे वो थोड़ी टाइम के बाद में दिखाता हूँ, मैं थक गया हूँ। तो ये है नींबू का पेड़ जो आपको दिख रहा है, यहाँ से अगर थोड़ा भी हिलाएंगे तो ऐसे टपक जाएंगे, नहीं टपके रहने दो। और ये है जाम का पेड़, जाम कहीं पर कुछ लगे हुए हैं यार, कच्चे जाम है, हम थोड़े गलत टाइम पे आए, सब जाम अभी थोड़े कच्चे हैं, पका हुआ जाम रहेगा तो हम तोड़ेंगे। जैसे आपको फूल तोड़ना बताया था ना वैसे जाम तोड़ते हैं। बाकी तो इधर फूल के पौधे हैं और उन्हीं के पेड़ हैं, फूल के झाड़ हैं,
ये छोटा सा बाग दिखाते दिखाते हमें एक चीज़ पता चली है, जो अपना सिंदूर होता है जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, ओरिजिनल सिंदूर का पेड़ हमें पता चला है। हम वहाँ पे जाते हैं, वो पेड़ आपको दिखाता हूँ, सिंदूर कैसा होता है वो आपको दिखाता हूँ। तो चलिए वहाँ चलते हैं। ये ओरिजिनल सिंदूर का पेड़ है जो कि शायद हमने कभी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। देखो मैं सिंदूर दिखाता हूँ, इसमें उगते ही ये जो दिख रहे दिख रहे, हाँ ये इसमें उगते हैं। देखो मैं सिंदूर दिखाता हूँ, ये है सिंदूर, इसी को पीस के सिंदूर बनाया जाता है, ये ओरिजिनल सिंदूर है। तो गांव आने का ये फ़ायदा होता है, ये है सिंदूर ओरिजिनल, गुड। इसलिए हम थोड़ा गांव घूमने के लिए निकले हैं, आपको एक ये चीज़ दिखाई दी हमने। वैसे इसका पौधा भी आता है, हम पौधा ले जाने की कोशिश करेंगे मिल जाए तो, और देखेंगे। ओरिजिनल सिंदूर की बात ही कुछ और है, इतना ईजिली मिलता नहीं है। ओरिजिनल सिंदूर के ओरिजिनल पौधे मिल गए हमें, अब लेके जा रहे हैं घर। तो घर ही इसे से मिट्टी में बांध के रखना पड़ता है ताकि ये जिंदा रहे, हम घर पहुंचेंगे तब तक। मैं मुंबई रहता हूँ, हाँ, लेकिन अपना होम टाउन खंडवा है। खंडवा, हाँ, मम्मी पापा सब लोग खंडवा में रहते हैं। तो हम बहुत थक गए, बहुत जगह घूम के आ गए हैं, और ये वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो, गांव अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, जो मैंने बताया था आपका गांव अगर ऐसा है या आप भी गांव में रहते या सिटी में रहते आपको गांव कैसा लगा, कमेंट करना, शेयर करना वीडियो को। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय बाय। इनके पत्थरों से आपको पता चल जाएगा कि ये कितना पुराना मंदिर था, जो कि अभी थोड़ा सा टूट गया है, लेकिन इसके बारे में किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया है।